तो ये है हम लोग का सारनाथ का एंट्री। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और यहाँ से एंट्री करने के बाद भगवान का मंदिर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अंदर तक चलते हैं। टू अवॉइड ऑल एविल, टू कल्टीवेट गुड एंड टू क्लीन वंस माइंड, दिस इज द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए है, कुछ चीज इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं है, सिर्फ बकवास। घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत। हमें दो मित्र आना गाड़ी का धर्म का, इन्होंने इस मंदिर को बनाया 1931 में। आ जाइए और एक्सप्लेन करते हैं। हेलो, आप लोग जिस प्लेस पर खड़े हुए हैं, इस प्लेस को बोलते हैं सारनाथ, ठीक है। सार मीन्स होता है उपदेश देना और नाथ मीन्स होता है गॉड। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसलिए सांपरे वार्ड में फेमस माना जाता है। ये टेम्पल जो देख रहे हैं, ये सारनाथ का मेन टेम्पल है। इसका नाम है मूलगंध कुटीर विहार। ये 1931 का बनाया गया है। इसे श्रीलंका के श्री अनागाई धर्मपाल ने बनाया, जो व्हाइट वाला स्टेचू आपको दिखाया था, वो श्रीलंका के बहुत विख्यात थे। उनका जन्म श्रीलंका में हुआ था 1864 में और इंडिया में फर्स्ट टाइम आए थे 1922 में, और एक ट्रस्ट का मीटिंग किए थे महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसी के तहत इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। मंदिर के अंदर में आप देखेंगे गौतम बुद्ध का पत्थर का स्टेचू है, उसके ऊपर गोल्ड प्लेटिंग किया गया है। देखने में लगता है सोने का मूर्ति है, लेकिन सोने का है नहीं, पत्थर के ऊपर भी गोल्ड प्लेटिंग किया गया है। और मंदिर के अंदर दीवारों पर वॉल पेंटिंग है, जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से लेकर मृत्यु तक का पेंटिंग है, लाइफ टाइम पेंटिंग है। वो जापान के आर्टिस्ट लोगों ने उसकी पेंटिंग की थी। उसकी पेंटिंग हुई थी 1932 से लेकर 36 तक, लगभग 4 साल तक पेंटिंग की गई। और मंदिर बनाने के 2 साल बाद श्री अनागाई धर्मपाल जी का 1933 में डेथ हो गया था यहीं पर। 1933 में सारनाथ में इनकी मृत्यु हो गई थी। और सामने जो पीपल के टी देख रहे हैं, इसको बोलते हैं बोधि टी, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध ने जिस पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे बौद्ध गया बिहार में, उसी के यहाँ पर शाखा लगाया गया, सेपलिंग ब्रांच है। ओरिजिनल बोधि टी आपका बौद्ध गया बिहार में है। इसका एक शाखा श्रीलंका में है, जो कि अशोक के बेटा और बेटी महेंद्र संगमित्रा ने ये जगह श्रीलंका में लगाया था, अनुराधापुरा में। उसी के यहाँ पे एक थर्ड ब्रांच है। तो ओरिजिनल बोधि टी बौद्ध गया बिहार में, सेकेंड ब्रांच श्रीलंका में, थर्ड ब्रांच यहाँ पर लगाया गया है। और इसके अंदर में गौतम बुद्ध की 5 शिष्यों का मूर्ति है, वो बर्मा के लोगों ने बनाया 1988 में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, वहाँ यहीं पर मॉडल बनाया गया, उपदेश देते हुए दिखाया गया है। इनके जो 5 शिष्य थे उनका नाम है अश्वजीत, बप्पा, भद्या, महानामा, कुंडली, अंदर मुनी का मूर्ति है। और उसके अंदर में देखेंगे चक्र लगाया गया है, उसको बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन, उसको घुमाने से मन को शांति मिलता है। और अंदर में घंटा आया है जर्मन से, जर्मन की लेडीज ने डोनेट किया है, अष्ट धातु घंटा, 2 टन का है, 1 करोड़ रुपए का है। ये मंदिर सुबह 4 बजे खुलता है तब बजता है, और शाम को 6:30 बजे पूजा होता है तब बजता है। उसका साउंड 2 किलोमीटर एरिया तक सुनाई देता है। पहले आप मंदिर दर्शन करेंगे, उसके बाद बोली थी देखेंगे। अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। इस मंदिर के बारे में जो हमें बाहर बता रहे थे, वो सारा डिटेल्स इसके अंदर है। ये इसीलिए घुमाया जाता है ताकि आपके मन को थोड़ा शांति मिले, ताकि आप जब भी आओ कहीं पे भी, जब बोथ साइड पर ये आपको मिलेगा, तो आप उसको जहाँ पे भी घुमा के जाओगे तो आपके मन में शांति की और आप तो शांति मिलता है, इसलिए इसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध द्वारा उनके 5 शिष्यों द्वारा जो दी जा रही है वाणी वो या शिक्षा दिया जा रही है, उसके ऊपर ये सब दिखाया गया है यहाँ पे। और ये वही पेड़ है जो कि मतलब बोध गया से आके उसका ब्रांच यहाँ पे डाला गया था। तो बहुत ही धूप है, आप भी आए तो थोड़ा टाइम देकर आइएगा, धूप के टाइम पर आएंगे तो थोड़ा घूमना थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैंने परिक्रमा कर लिया यहाँ से, फिर यहाँ से हम लोग अभी निकल जाएंगे तो यहाँ पे। हाँ, तो
ये स्तूपा पूरा सॉलिड है, इसके अंदर कहीं आने जाने का रास्ता नहीं है, कोई गेट नहीं, कोई दरवाजा नहीं है। यादगार के रूप में बनाया गया, मेमोरी के रूप में बनाया गया है। सम्राट अशोक ने कलिंगा वार के बाद जब बौद्ध धर्म को अपनाया था तब आकर स्तूप का निर्माण कराया था। कलिंगा वार उड़ीसा में, हाँ, इसका नाम है धम्मे की स्तूप और इसका ओल्ड नेम है धर्म चक्र स्तूपा। ये बौद्ध धर्म प्रचार के लिए बनाया गया, बौद्ध धर्म का प्रचार यहीं से स्टार्ट हुआ था। इस स्तूप की हाइट 103 फीट है और इसका व्यास है 93 फीट। इसके जितने बौद्धिक लोग आते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, तिब्बत, श्रीलंका, चाइना, बर्मा के लोग इसका राउंड करके पूजा करते हैं। ये स्तूप आपका 2300 साल पुराना है, 6 सेंचुरी बीसी का बनाया गया है। बौद्धिक लोग में दो धर्म होता है, हीन यान और महायान। हीन यान वाले जो होते हैं स्तूप का पूजा करते हैं, जो महायान वाले होते हैं मूर्ति का पूजा करते हैं। बौद्धिक लोग का स्तूप मतलब उसको कहते हैं ये वाले स्तूपा जो भी होता है सॉलिड होता है। ओके, बौद्धिस्ट लोग का 4 प्लेस इम्पोर्टेंट प्लेस है। फर्स्ट है लुम्बिनी कपिल वस्तु, जहाँ इनका जन्म हुआ था नेपाल में। सेकंड है बौद्ध गया बिहार, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे। और थर्ड प्लेस सारनाथ है, जहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और फोर्थ प्लेस है कुशीनगर गोरखपुर, जहाँ इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अपने शरीर को त्याग दिए थे 80 साल की अवस्था में। ठीक है, फोटो लेना हो तो यहीं से ले लीजिए, अन्यथा जापानी मंदिर। तो फोन ये देखिए, सामने में टेम्पल देख रहे हैं, ये जैपनीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। अभी नया बनाया गया, 1992 का बनाया गया, जापान गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। इसके अंदर इतना मूर्ति देखेंगे सब चंदन की लकड़ी की बनाई गई स्टेचू है, सैंडलवुड का है। और अंदर में देखेंगे झूमर लटका हुआ है, वो भी चंदन की लकड़ी का, उसको गोल्ड प्लेटिंग किया गया और जापान से लाया गया है। और ढोल है दोनों तरफ, सुबह शाम ढोल बजाते हैं, पूजा करते हैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और अंदर में सब मंत्र लोग का लिखा हुआ है, नाम यो न्यो हो रेम ये क्यों, वो जैपनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ मंत्र है। उसका मीनिंग होता है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसी मंत्र के लोग बोलते हैं, पूजा करते हैं। और आगे में देखेंगे गौतम बुद्ध की लेटे हुई प्रतिमा है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग बुद्ध। गौतम बुद्ध का जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर गोरखपुर में, इसी अवस्था में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। गौतम बुद्ध एक सिद्ध पुरुष थे, जो देखेंगे सर पर चक्र है, हाथ पर चक्र है, पैर के पीछे चक्र मिलेगा, ये सिद्ध पुरुष का निशानी होता है। ये सिद्ध पुरुष होते नाक लंबा, कान लंबा, हाथ लंबा, उनका हाथ देखेंगे दूसरों की आदत है, उसको अजान बाहु बोलते हैं, जैसे रामचंद्र जी भी था। ये विष्णु के 9 अवतार माने गए। ठीक है, उसके बाद इसके बगल में विश्व शांति स्तूपा है, अशोक स्तंभ, अशोक चक्र में कांची का गेट है, वो दिखाएंगे। इधर से गेट बंद है, उसमें कुछ काम चल रहा है, इसलिए इसको बाहर से आपको दिखाएंगे। चप्पल वहाँ खोल दीजिएगा, ये दर्शन कर लीजिए। तो ये था जापानी टेम्पल, जो कि अभी हम लोग यहाँ से देख के निकल रहे हैं। तो ये सारा जो लकड़ी का जो था, जो मूर्ति है, सारा कुछ यहाँ पे चंदन से बना गया है। और यहाँ से भी निकल रहे हैं, दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला जो वीडियो है ना, सारनाथ के ऊपर पूरा डेप्थ नॉलेज मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक जन के साथ मिल के वीडियो बना रहा हूँ, जो इसके ऊपर पूरा जानकार रखते हैं, तो वो आपको पूरा उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और मैं बस वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि राज्यपाल बी एल जोशी ने इसका उद्घाटन किया था, इंडो जापान ने मिल के बनाया है। ये भारत का 3रा विश्व शांति स्तूपा है। फर्स्ट धवलगिरी उड़ीसा में, सेकेंड राजगीर नालंदा में, थर्ड यहाँ बनाया गया है। अंदर में गौतम बुद्ध का पत्थर के स्टेचू है, चारों दिशाओं में बौद्ध का मूर्ति बनाया गया है, अलग अलग मुद्राओं में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। और ये आपका अशोक स्तंभ है, 4 लाइन के ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक चक्र है। और ये गेट देख रहे हैं, सांची का गेट है, ये सांची चौखंड स्तूपा पे। यहाँ पे थोड़ा सब पर्यटक बैठे हैं, काउंटर में आदमी भाग गया है, आपको ऑनलाइन करना पड़ रहा है। यहाँ पे चौखंडी स्तूपा का स्टोरी लिखा हुआ, दिस लॉफ्टी ब्रिक स्ट्रक्चर इज द टेरेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा नोन एज द चौखंडी बिकॉज ऑफ इट्स 4 आर्म। तो आप सारनाथ को अगर आ रहे हैं तो ये भी एक प्लेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ये सब प्लेस है कि मैं यहाँ पे कोई 5-10 मिनट का वीडियो तो बना नहीं सकता, 2-2 मिनट का वीडियो बनेगा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, ताकि अगर आप बुद्धि साइड में आते हैं तो जो भी मित्र का स्तूपा बनते हैं, तो आप अगर उनको सम्मान देते हैं या आप उनको पूजा करते हैं, तो आप उनके चारों तरफ एक भ्रमण या परिक्रमा, जैसे हम मंदिर में बोलते हैं, वो करना चाहिए। तो ये इनके सम्मान के लिए हम भी यहाँ पे एक परिक्रमा करेंगे। ये है बौद्ध मंदिर, ये है हमारा बौद्ध मंदिर, मतलब बौद्ध का जो जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था आत्मा तृप्ति के लिए,
और यहाँ पे है वो कपल जिसको पार्क को बना दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे जो ये कपल ये पार्क बना दिए हैं, सबको छोड़ के यही पार्क में मिला है और कुछ कहीं पे है नहीं। ये है वो स्तूपा जो कि गौतम बुद्ध के याद में बनाया गया है, जिन्होंने घर बार बीवी वाइफ सब कुछ छोड़ दिया था और आत्मा तृप्ति के लिए अकेले होकर तपस्या के लिए चले गए थे। और यहाँ पे ये वाले चीज़ को एक पार्क बना दिया गया है जहाँ पे ये कपल लोग रहते हैं, इस टाइप के कुछ कपल आते हैं और जो पूरा दुनिया का छोड़ के जो चला गया है, उनको रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है, उसके सामने आकर ये अपना रिलेशन को बता रहे हैं कि ये से होता है रिलेशन, क्या फ़ायदा है। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, शुरू हो रहा है इस साइड, तो आज का जो बनारस ट्रिप था हम लोग का यहाँ खत्म हुआ। और मेरे साथ जो है ये अरुण अंकल है जिन्होंने आज के दिन में पूरा हमको टूर कराया है। जब भी आपको एक बनारस आना हो, कहीं भी घूमना हो आपको, तो ऑटो चाहिए होगा, चालू ऑटो पे जाओगे 20-20-30 रुपया कहीं पे भी दोगे, खर्चा ज्यादा होने वाला है। आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा। हम लोग आज कहाँ गए थे, जो कौन सा जगह पे गए थे? सारनाथ। हाँ, आप सारनाथ जाओगे तो चालू ऑटो तो चलेगा नहीं, आपको तो ऑटो बुक करना पड़ेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप सर के साथ जाइएगा, आपको गाइड भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा एंड अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपने रूम भी बुक नहीं किया, सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अरेंज करा देंगे। अगर मंदिर में आपको घूमना भी हो तो भी सर भी वो भी अरेंज करा देंगे ना, क्या सर? ठीक। और मैं सर का कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दूंगा, जब भी आपको आना हो सर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।